हेलो फ्रेंड, मैं इमरान अहमद अंसारी। आज की ये वीडियो हमारे लिए बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। बहुत ही ब्यूटीफुल डिज़ाइन बनाने वाले हैं इसमें हम। तो किस तरह से ये डिज़ाइन बनेगा, चलिए हम सीखते हैं किस तरह से बनाया जाएगा। उससे पहले आपको बता दें, इसमें एक एक चीज़ बहुत ही बारीकी से और स्टेप बाई स्टेप सीखा जाएगा किस तरह से बनेगा। इस डिज़ाइन को आप सूट में, कुर्ती में, फ्रॉक में, ब्लाउज में, जिसमें भी चाहें आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल डिज़ाइन है। तो फ्रेंड, आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर ले और ये बेल आइकन दबा ले, जिससे क्या होगा, इस तरह की नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, ये हमारा बाजू है जिसमें हमको डिज़ाइन बनाना है। तो इस तरह से हम बाजू ले लेंगे और इसमें एक कपड़ा लगाएंगे। इस तरह से आप अपने हिसाब से कोई भी कलर लगा सकते हैं। तो इस तरह से हमको 4 इंच का कपड़ा ले लेना है और इसमें इस तरह से सिलाई लगाना है। तो हम एकदम पतला मोड़ लेंगे और इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। तो हमको इस तरह से एकदम पतला मोड़ के सिलाई लगा लेना है। आप देख सकते हैं इस तरह से हम मोड़ते हुए सिलाई लगाएंगे। इसकी चौड़ाई 4 इंच है और लंबाई आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो इस तरह से हमको ये हमारा कंप्लीट हो गया। इस तरह से हम एक तरफ फोल्ड कर लेंगे, मोड़ लेंगे और दूसरे तरफ हमको इस तरह से गेजिंग लगाना है। तो हम यहाँ से गेजिंग लगाएंगे इस तरह से। तो इस तरह से हमको बराबर करते हुए इस तरह से हमको गेजिंग लगाना है। तो इस तरह से हम चुन लगाएंगे, आप देख सकते हैं। इस तरह से दूसरी तरफ हमको चुन लगा लेना है। फ्रेंड, ये बहुत ही इजी डिज़ाइन है। इस डिज़ाइन को आप बहुत आसानी से बना सकते हैं सूट में, कुर्ती में, फ्रॉक में, ब्लाउज में, जिसमें भी चाहें आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल डिज़ाइन है। तो इस डिज़ाइन को ज़रूर ट्राई करें फ्रेंड, बहुत ही ब्यूटीफुल है। तो ये हमारा इस तरह से गेजिंग कम्प्लीट हो जाएगा। इसको हम काट लेंगे इस तरह से, ये आप देख सकते हैं बन जाएगा। इसको हम साइड में रखेंगे और अपना बाजू लेंगे। ये हमारा बाजू है और इस बाजू के बराबर हमको एक और कपड़ा लेना है। तो सेम कलर का कपड़ा लेंगे अब, जिस कलर से हमने गेजिंग बनाया है उसी कलर का हम कपड़ा इसी के बराबर ले लेंगे और इसके ऊपर हमको डिजाइन बनाना है। तो इस तरह से हम बाजू का जो कलर रहेगा उसी कलर में कपड़ा लेंगे इसके बराबर, आप देख सकते हैं इसके बराबर लेना है। और चौड़ाई हमारा 2.5 इंच होना चाहिए। तो 2.5 इंच कपड़ा है ये और इस पट्टी के बराबर है। ये पट्टी 4 इंच की है तो इसी के बराबर हमको ले लेना है और दोनों तरफ इस तरह से हम सिलाई लगा लेंगे। आप देख सकते हैं इस तरह से दोनों तरफ हमको सिलाई लगा लेना है और इसको हम पलट देंगे। इस तरह से हमको पलट देना है और इसको हम इस तरह से बनाएंगे। तो इस तरह से हमको, आप देख सकते हैं इस तरह से मोड़ लेना है। तो इस तरह से ये मुड़ जाएगा। उसके बाद हम एक धागा लेंगे और इसको हम बीच में इस तरह से बांध लेंगे। तो इस तरह से बांध देना है हमको। तो फ्रेंड, ये हमारा इस तरह से डिज़ाइन बन जाएगा। आप देख सकते हैं इस तरह से ये हमारा डिज़ाइन बनेगा। इसी तरह से हमको और बना लेना है। तो इस तरह से हम और बना लेंगे। इसको हम इसके ऊपर अटैच करेंगे इस तरह से रखते हुए। तो यहाँ से हम रखेंगे और सिलाई लगा के अटैच करेंगे इसके ऊपर। इस तरह से बराबर करते हुए एक एक हम सिलाई लगा के अटैच करेंगे, एक के बाद एक। इसी तरह से हमको अटैच कर लेना है, बराबर करते हुए ये हमारा अटैच होते रहेगा। तो इस तरह से हम अटैच करते रहेंगे। एक तरफ का हमारा ये सिलाई कंप्लीट हो चुका है फ्रेंड। इसी तरह सेम हम दूसरे तरफ भी सिलाई लगाएंगे बराबर करते हुए। तो इस तरह से हम दूसरे तरफ भी सिलाई लगा लेंगे और इसको हम बराबर करते हुए सिलाई लगाएंगे। तो दोनों तरफ हमको बराबर रखना है और इस तरह से सिलाई लगा कर इसको भी अटैच कर लेना है। तो इस तरह से ये हमारा दूसरा भी अटैच हो जाएगा। इसको हम काट लेंगे इस तरह से और अपना बाजू लेंगे। ये हमारा बाजू है, इसको हम बीच से इस तरह से काट के 2 पार्ट में कर देंगे। तो ये हमारा 2 पार्ट में हो गया। इसके ऊपर हम रखेंगे यहाँ से और सिलाई के ऊपर ही सिलाई लगा के इसको हम अटैच कर लेंगे। तो यहाँ से हम इस तरह से रखेंगे और सिलाई के ऊपर सिलाई लगा के इसको हम अटैच कर लेंगे। इस तरह से सीधी सिलाई लगा लेनी है हमको और इसी में अटैच करना है। और ये हमारा अटैच हो चुका है, इसको आप काट लेंगे। दूसरे साइड का भी हम सेम इसी तरह से अटैच करेंगे। ये हमारा दूसरे साइड का भी इस तरह से बराबर करते हुए हमको अटैच करना है।
इस तरह से हम दूसरे साइड का भी अटैच कर लेंगे। फ्रेंड ये हमारा अटैच हो चुका है, इसको हम सीधा करेंगे। आप देख सकते हैं इस तरह से सीधा कर लेना है और ऊपर हमको एक दाब की सिलाई लगाना है दोनों साइड में। तो इस तरह से हम ऊपर साइड में सिलाई लगाएंगे दाब की, जिससे क्या रहेगा हमारा डिज़ाइन बैठ जाएगा, देखने में भी अच्छा लगेगा। तो इस तरह से हम सिलाई लगा लेंगे और ये हमारा सिलाई कंप्लीट हो चुका है। इसको हम काट लेंगे और इसको हम इस तरह से, ये हमारा गेजिंग वाला है, इसके ऊपर रखेंगे और इसको भी हम अटैच करेंगे। तो यहाँ से हम बराबर करते हुए इसको भी अटैच कर लेंगे। इस तरह से हमको बराबर करते हुए अटैच कर लेना है। तो फ्रेंड ये हमारा अटैच हो चुका है, आप देख सकते हैं। और जो भी हमारा, आप देख सकते हैं इस तरह से हम ऊपर भी सिलाई लगा लेंगे और जो भी हमारा एक्स्ट्रा गेजिंग का कपड़ा रहेगा उसको हम काट के हटा देंगे। तो ऊपर भी सिलाई लगाएंगे और आप देख सकते हैं ये हमारा जो एक्स्ट्रा है कपड़ा, इसको हम काट के हटा देंगे। तो इस तरह से ये हमारा बनेगा। उसके बाद हमको इसमें मोती लगाना है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हम मोती लेंगे और यहाँ पे सुई धागे से हम इसको अटैच कर देंगे। तो यहाँ पे हमको सुई धागे से अटैच कर लेना है। इस तरह से हम अटैच करेंगे इसको। फ्रेंड ये बहुत ही इजी है, इस तरह से हमको अटैच कर लेना है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से ये हमारा अटैच हो जाएगा। इसके बाद हम दूसरे पे भी अटैच इसी तरह से मोती को अटैच करेंगे। सब में हम इसी तरह से लगा लेंगे। आप देख सकते हैं इस तरह से हमको मोती अटैच कर लेना है और इसमें हम साइड की सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से हम बराबर करेंगे इसको और आप अपने फिटिंग के हिसाब से इसमें जो भी फिटिंग रखना चाहें उस हिसाब से साइड में सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से बराबर करते हुए साइड की सिलाई कंप्लीट करेंगे और ये हमारा सिलाई कंप्लीट हो चुका है। इसको हम काट के निकाल लेंगे और सीधा करेंगे। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं इस तरह से ये हमारा डिज़ाइन बनके तैयार हो गया है, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। तो इस डिज़ाइन को ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही ब्यूटीफुल डिज़ाइन है। आप देख सकते हैं इस तरह से ये हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो चुका है। तो फ्रेंड आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसा लगा है। फिर मिलेंगे दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।